Hello friends, today we are going to learn about communication. So basically, what is communication? Meaning, communication from Latin communicare meaning to share. So, इससे पता चलता है कि एक लैटिन वर्ड है कम्युनिकेयर जिसका मतलब होता है कुछ चीज शेयर करना तो कम्युनिकेशन उससे वर्ड आता है. इज द एक्ट ऑफ कन्वेइंग मीनिंग्स फ्रॉम वन एंटिटी और ग्रुप टू अनदर थ्रू द यूज ऑफ म्यूचुअली अंडरस्टूड साइंस सिंबल्स एंड सेमियोटिक रूल्स. तो फिर जो कम्युनिकेशन होता है एक्ट ऑफ कन्वेइंग मीनिंग फ्रॉम वन एंटिटी मतलब किसी भी इंडिविजुअल से या फिर ग्रुप से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कैसे हम लोग उनको इंटरप्रेट करते हैं कैसे पता लगाते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं थ्रू साइन सिंबल या फिर सिमियोटिक रूल्स या फिर कुछ कुछ रूल्स होते हैं. जैसे कि आप अगर स्टर्न बिल्कुल फील कर रहे हो तो उस टाइम तब आप बात कर रहे हो तो आप कैसे बात कर रहे थे तो उससे इंडिकेशन होता है कि कैसा हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं. तो एक तरीके से हम लोग को पता चलता है कि ये टू वे प्रोसेस होता है. जो पर्टिकुलर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन में वो होते हैं द मेन स्टेप्स इनहेरेंट टू ऑल कम्युनिकेशन आर फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेटिव मोटिवेशन और रीजन. किसी की रीजन की वजह से कोई एक इंसान दूसरे इंसान के पास जाता है या फिर कोई मोटिवेशन होगा. आप इंटरव्यू के लिए भी जाओगे तो आप किसी इंडिविजुअल के पास क्यों जाओगे ताकि आपको जॉब मिले तो कोई ना कोई रीजन होगा ही होगा कम्युनिकेशन के लिए. फिर मैसेज कॉम्पोजिशन आपको मैसेज कैसे आपको अपना जो मेन आपको बोलना है कैसे आप बोलोगे वो एक्सप्रेस करना है आपको उस इंसान के सामने. फर्दर इंटरनल और टेक्निकल इलैबोरेशन ऑन व्हाट एग्जैक्टली टू एक्सप्रेस आपको उससे क्या बोलना है आपको उससे क्या मतलब है किस टाइप का मैसेज होगा कैसे वो इंसान इंटरप्रेट करेगा ये सब सोच सोच के आपको एक मैसेज फॉर्म करना है. मैसेज एनकोडिंग फॉर एग्जांपल इनटू डिजिटल डेटा रिटन टेक्स्ट स्पीच पिक्चर गेस्चर्स और सो ऑन वो मैसेज आप कैसे बनाओगे कैसे एनकोड करोगे ताकि जो दूसरा इंसान है वो कैसे डिकोड करेगा. आप बोल के करोगे दैट इज स्पीच और डिजिटल डेटा या फिर आप मैसेज या कॉल करोगे. रिटन टेक्स्ट क्या आप लेटर लिख के किसी को बताओगे. पिक्चर्स आप पिक्चर सेट करोगे ये भी तरीके से डिजिटल डेटा हुआ. गेस्चर आपने अपना गेस्चर किया गेस्चर का मतलब हुआ कि आपने हंसा तो आपको मतलब ये चीज सही लगी इसलिए आपने ये गेस्चर किया हैंडशेक किया कुछ भी गेस्चर एंड सो ऑन. ट्रांसमिशन ऑफ द एनकोडेड मैसेज एज अ सीक्वेंस ऑफ सिग्नल्स Using a specific channel or medium. अब transmission करना है. Transmission का मतलब encoded message को उस particular receiver के पास हमें ले जाना है कैसे या फिर आप बोलोगे ये एक तरीके से channel कैसा होगा कि through your mouth you are giving the explanation, okay? और या फिर आप mobile में बात करोगे कि आप mobile में उस इंसान को बता रहे हो तो फिर क्या हुआ वो medium through telephone. या कोई भी चैनल हो सकता है. नॉइस सोर्सेस सच एज नेचुरल फोर्सेस और इन सम केसेस ह्यूमन एक्टिविटीज बोथ इंटेंशनल एंड एक्सीडेंटल बिगिन इन्फ्लुएंसिंग द क्वालिटी ऑफ सिग्नल्स प्रोपोगेटिंग फ्रॉम द सेंडर टू द अनदर रिसीवर. कई बार होता है अभी मैं शांत जगह में हूं तो कोई भी नहीं है जो मेरी ये कम्युनिकेशन को कुछ प्रॉब्लम करेगा लेकिन कोई भी अनवॉन्टेड साउंड जैसे कि जब मैं आपको कुछ एक्सप्रेस कर रही हूँ गलती से गाना बज जाए या कुछ हो जाए या मेरी माँ बोलो तो क्या होगा एक तरीके से नॉइज अनवांटेड आएगा जिसकी वजह से आपको क्या लगेगा कि आप उसको ठीक से समझ नहीं पाओगे कुछ ना कुछ बीच में लैक करेगा. इट इज अ सॉर्ट ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन. रिसेप्शन ऑफ सिग्नल्स एंड रीअसेंबलिंग ऑफ द एनकोडेड मैसेज फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल्स. अब आपका जो रिसीविंग सिग्नल्स है वो कैसे होंगे आप जो किस तरीके से उसको असेंबल किया गया है किस तरीके से उनका एक तरीके से रिसेप्शन हुआ है कैसे इंटरप्रेट किया गया है वो. डीकोडिंग ऑफ द रीअसेंबल्ड एनकोडेड मैसेज. अब जो दूसरा इंसान है जो सेंडर के बाद कौन होता है जो रिसीव करता है तो रिसीवर जो होगा वो उस मैसेज को डीकोड करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग डीकोडिंग. फिर इंटरप्रिटेशन एंड मेकिंग सेंस of the presumed
ओरिजिनल मैसेज। अब वो इंसान जिसके पास वो मैसेज चला गया है, वो कैसे अपने आप को उस मैसेज को इंटरप्रेट करेगा, हाउ ही विल डू दैट। जब बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट को भी हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, वेदर इट इज अ प्रॉफिट और अ लॉस, वैसे ही हम लोग इसको भी इंटरप्रेट करेंगे। नाउ कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज वर्बल एंड द सेकेंड वन इज नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्स द प्रोसेसेस of conveying the type of information in the form of non-linguistic representations. Non-verbal communication जो होता है वो क्या describe करता है, the processes, ऐसे process of conveying a type of information, ऐसी information convey करेगा जो कि होगी किस तरीके की, in the form of non-linguistic representation, मतलब उसमें आपने बोला नहीं होगा, आपके गेस्टर्स होंगे, आपके बॉडी मूवमेंट्स होंगे या कोई और काइनेटिक सोर्सेज होंगे जिसकी वजह से आपने वो कम्युनिकेशन किया होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड हैप्टिक कम्युनिकेशन, क्रोनेमिक कम्युनिकेशन, गेस्टर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट एंड हाउ वन ड्रेसेस। फॉर इंस्टेंस, ड्रेसेस इसलिए बोला गया है क्योंकि समटाइम्स हम लोगों को, सो वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ वन ड्रेसेस। अब कैसे इंसान कोई ड्रेस करता है, इफ ही इज इन अ फॉर्मल ड्रेस, इसका मतलब ही इज गोइंग टू एन ऑफिस, और इफ ही इज इन अ वेरी कैजुअल ड्रेस, इट मीन्स दैट ही इज गोइंग टू अ पार्टी। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ द हैप्टिक कम्युनिकेशन इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच हाउ एनिमल्स and people interpret, you know, you give a high five to a person, तो वो सब क्या हो जाएगा, एक तरीके से आपका haptics हो जाएगा। Chronemic, which is related to time, कैसे time से influence होता है हमारा communication, वो होगा chronemic। Gestures, अगर मैं hi कर रही हूँ, it means I am saying hello to a person। Body language, the way I am standing, the way I am in front of another person, and how that person is interpreting me, like if I am saying something, or if he is saying something but I am not showing any interest and I am looking upwards, it means my body language is a type of negative towards him। Facial expressions, how my facial expressions are, am I angry or I am very happy, or it can be anything। Eye contact, whether that person when he is talking to you is having an eye contact with you or not, and how one dresses, okay? Non-verbal communication also relates to the intent of the message. Example of intent are voluntary, intentional movements. तो फिर क्या होगा? Non-verbal communication एक तरीके से हमारा message का क्या intent है? क्या उसका main source है? या क्या किस objective से? Example of intent are voluntary, intentional movements. हमारा main intention क्या है? Like shaking a hand or winking, आप हाथ मिलाते हो किसी से या विंक करते हो अपनी आंख से, as well as involuntary, such as sweating. Sometimes what happens, like if we are going for an interview and it is a first interview, what will we do? We will have something which is known as precipitation on our head. हम लोग को सिर में क्या होगा, पसीना आने लगेगा। तो वो इनवॉलेंट्री होता है, वो हमने जानबूझ के नहीं किया होता है, वो हमारी बॉडी ने रिएक्ट किया होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन को। स्पीचेस आल्सो कंटेन नॉन वर्बल एलिमेंट्स नोन एज पैरा लैंग्वेज। तो हमारी जो स्पीच होती है, द वे आई एम स्पीकिंग टू यू, उसमें भी क्या होगा, एक तरीके से नॉन वर्बल एलिमेंट होगा। उस पर्टिकुलर नॉन वर्बल एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरा लैंग्वेज। उसका एग्जाम्पल है रिदम, जो हमारा रिदम होगा, लाइक द वे आई एम टॉकिंग। If a person is singing, you will come to know that, huh? That person is having a rhyme in his rhythm in his song. So, एक तरीके से वो क्या होगा? हमारा non-verbal communication, intonation, tempo, stress, the way I am giving, you know, the way I am telling you the things. What is my tempo? Is it very high or it is very low? And when a person is in stress, you'll come to know. It affects communication most at the subconscious level and establishes trust. So what happens, the way the person is speaking, you'll come to know whether this person is trustworthy or not. Likewise, written text include non-verbal elements such as handwriting styles,
दि स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड द यूज ऑफ इमोटाइकन्स टू कन्वे इमोशंस. ये सब हम लोग जानते हैं. आजकल हम लोग क्या इमोटाइकन्स यूज ही करते हैं, व्हाट्सएप हो चाहे कुछ हो. व्हाट आर यू डूइंग? आई एम डूइंग वेल. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यू कैन जस्ट गिव अ स्माइली फेस इफ यू आर बिजी, सो पीपल विल कम टू नो लाइक हाँ इसने इमोटाइकन लगाया, मतलब शी इज इन अ गुड पोजिशन. ओके, वर्बल कम्युनिकेशन. ये जो अभी मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ वर्बल कम्युनिकेशन. इज द स्पोकन और अ रिटन कन्वेंस ऑफ द मैसेज, या फिर वो मैसेज क्या होगा, स्पीक स्पोकन होगा, मैंने जो बोल ली वो, या फिर इट इज रिटन. सो दिस राइट नाउ इट विल बी अ वर्चुअल वर्बल कम्युनिकेशन विच इज बिटवीन यू एंड मी. ह्यूमन लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स, समटाइम्स नोन एज लेक्सेमिस, एंड द ग्रामर्स रूल्स बाय विच द सिंबल्स आर मैनिपुलेटेड. सो बेसिकली व्हाट वी हैव सिंबल्स, सिंबल्स होते हैं, सिस्टम ऑफ सिंबल्स है, ठीक है, द वे वी आर एक्सप्रेसिंग ourselves, ग्रामर है, तो उसकी वजह से. द वर्ड लैंग्वेज ऑल्सो रेफर्स टू कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंग्वेजेस. जो लैंग्वेज होता है उसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है. लैंग्वेज लर्निंग नॉर्मली अकर्स मोस्ट इंटेंसिवली ड्यूरिंग ह्यूमन चाइल्डहुड. व्हेन वी आर स्मॉल आवर पेरेंट्स स्पीक इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, एंड व्हेन वी आर इन स्कूल वी आर टॉट इन वन लैंग्वेज. सो बेसिकली पीपल नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस. लैंग्वेज लर्निंग बचपन से होती है, द वे वी आर इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट. फॉर इंस्टेंस अगर मैं किसी हिंदू के यहाँ हूं तो फिर आई विल बी एबल टू स्पीक हिंदी वेरी नाइसली. इफ आई एम इन अगर मैं एक किसी मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करूंगी तो मुझे इस्लाम भी आती होगी, उसमें क्या अरेबिक्स भी आती होगी मुझे, और डिफरेंट चीजें भी आती होंगी. मोस्ट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेजेस यूज पैटर्न्स ऑफ साउंड्स एंड गेस्चर्स फॉर सिंबल्स विच एनेबल कम्युनिकेशन विद अदर्स अराउंड देम. सो बेसिकली बहुत सारे साउंड होते हैं, बहुत सारे गेस्चर्स होते हैं. इजिप्शियंस भी अपना एक अलग गेस्चर करते थे, उनके जो साइंस और उनके जो सिंबल्स होते थे लैंग्वेज के, मोस्टली आप देखोगे उसमें एक बर्ड की पिक होगी, ऐसे करके उनकी इंटरप्रिटेशन किया गया था, तो वो सब भी होता है. लैंग्वेज टेंड्स टू शेयर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑल दो देर आर एक्सेप्शन. कुछ कुछ लैंग्वेजेस क्या करती है, अपनी प्रॉपर्टीज इंटरटेन करती है. देर इज नो डिफाइंड लाइन बिटवीन लैंग्वेज एंड अ डायलेक्ट. कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेजेस सच एज एस्पेरेंटो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड वेरियस मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म इज नॉट नेसेसरली रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रॉपर्टी शेयर बाय ह्यूमन लैंग्वेज. सो ह्यूमन लैंग्वेजेस आर डिफरेंट एज कम्पेयर टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेरियस अदर लैंग्वेजेस विच आर देयर. सो वर्बल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन विच इज स्पोकन और रिटन. जो हम लोग एक पर्टिकुलर बंदा होगा या कोई भी होगा जो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो हम लोग को क्या होगा, वर्बल कम्युनिकेशन. एंड वॉट अबाउट नॉन वर्बल, द वे आपके गेस्चर्स, समथिंग विच इज रिलेटेड टू काइनेसिस और पैरा लैंग्वेज, देन इट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. चार स्लाइड्स थी और फर्स्ट वीडियो. सो जितने भी मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं या फिर जितने भी यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स हैं, टॉपिक पढ़ना हो तो प्लीज लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हूं. तो थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी वेरी मच.